कोर में दो सुपर हीरो को क्यों रखा जा रहा है? क्या इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को भी लिया जाएगा? और कैसे बनने जा रही है ये फिल्म 2000 करोड़ी? ऋतिक रोशन की क्रिस 4 पर लॉकडाउन में तेजी से काम हुआ और अब राकेश रोशन ने फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर दी और फिल्म कास्टिंग के स्टेज पर पहुंच चुकी है। खबरें हैं कि फिल्म में ऋतिक 4 किरदार निभाएंगे जिनमें से एक सुपर हीरो का है और अब फिल्म की दो हीरोइनों में से एक का नाम लगभग तय है और वो नाम है कीर्ति सैनन। कीर्ति भी फिल्म में ऋतिक के साथ सुपर हीरो का किरदार निभाती दिखेंगी। गौरतलब है कि राकेश रोशन की पिछली फिल्म क्रिस 3 में कंगना रनौत भी एक सुपर वुमन थी और अब वो फिल्म का ये एंगल छोड़ना नहीं चाहते। इस बार सीरीज की सुपर हीरो होंगी कीर्ति सैनन। वहीं फिल्म की दूसरी हीरोइन पर फिलहाल विचार चल रहा है। हालांकि इससे पहले फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के नाम की भी चर्चा हुई थी, लेकिन शायद बात नहीं बनी। अब फिल्म के लिए कीर्ति सैनन का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। गौरतलब है कि कीर्ति सैनन के लिए पिछला साल शानदार रहा था और अब इस साल अगर वाकई ये फिल्म कीर्ति के हिस्से में आ चुकी है, इससे अच्छी खबर उनके लिए और क्या हो सकती है। अफवाहें थी कि कीर्ति सैनन ऋतिक रोशन के अपोजिट फराह खान के सत्ते पर सत्ता रीमेक में दिखाई दे सकते और अब तक तो दर्शक इन अफवाहों से खुश थे, लेकिन अब लगता है कि आखिर कीर्ति और ऋतिक को एक साथ लाने के बारे में राकेश रोशन ने ही सोच लिया है। बस इस खबर पर कोई अफवाह की सेंध ना लगाए। वहीं दूसरी तरफ अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को भी कास्ट किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि इस फिल्म में विलन के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ टाइगर श्रॉफ भी विलन की भूमिका में दिखाई देंगे। अगर किसी फिल्म में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार काम करेंगे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से 2000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी?